हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो दो साइंटिस्ट के नेम्स है क्लीडेन एंड स्मॉन उनके नाम किस चीज़ से एसोसिएटेड है वो हमें बताना है ऑप्शन हमें दिए गए हैं प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बी सेल थ्योरी सी थ्योरी ऑफ सेल लाइन और डी है न्यूक्लियस फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें देन दैट विल बी सेल्थ थ्योरी सो नाव अगर हम लोग जानते हैं कि सेल्फ थ्योरी क्या है देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरी है दिट वॉज प्रपोज बाई टू साइंटिस्ट जिनके नेम है पहले के नाम है थियोडोर स्वन ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स पे काम किए थे एंड उनसे रिपोर्ट किए थे कि उनके एनिमल सेल्स जितने भी हैं उनमें एक थिन आउटर लेयर होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं एंड यही चीज उन्होंने देखा था कि प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होता है जिसको उन्होंने कहा था सेल वॉल तो उन्होंने अबाउट सेल मेम्ब्रेन के बारे बताया था इन एनिमल्स एंड दैट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स जबकि अगर हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करें तो वो थे मैथ्यूस स्लीडन एंड ये जो थे उन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स है ऑल ऑफ दीज प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल उन्होंने बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं एंड उन दोनों ने मिलके फिर एक सेल थ्योरी बनाया था जिसके अकॉर्डिंग था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है प्री एग्जिटिंग सेल्स ये उन्होंने बताया था सो so, हम लोग बोल सकते हैं कि इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी दैट इज सेल थ्योरी से जुड़ा हुआ है बिकॉज ये जो हाइपोथेसिस था ये जुड़ा हुआ था ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एंड कम्पोस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स जिसको टुगेदर वो लोग सेल थ्योरी बोले थे बी यहाँ पे करेक्ट हो गया अंडरस्टूड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू